मतलब आप अभी पर देखो इतने सारे पुरुष केवल तीन मात्र शक्ति, इसका कारण क्या है? क्योंकि तीनों सबको संभाल सकते, तीनों ताकत इनको दी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। अच्छा दोस्तों, महिलाओं को भी कपड़ा समझना चाहिए, जितने यहाँ शादीशुदा पति हैं अधिकतर शादीशुदा ही होते हैं, मगर कलयुग है तो अधिकतर आप देखिएगा घर में आप पूछते हैं तो पत्नी पहला प्रश्न यही कहेगी कि आप बताइए आज खाने में क्या बना लें, आप बोलेंगे जो आपकी इच्छा हो बना दो, मगर पूछते हैं नहीं आप बताओ क्या बना लें, तो बोलेंगे काम करो भिंडी बना लो, बोले नहीं चिंटू को पसंद नहीं, मतलब लड़का बीच में आ गया, फिर भी पूछेंगे नहीं और बताओ क्या बना लें, बोले काम करो आलू का पराठा बना लो, कल तो बनाया, फिर एक काम करो खिचड़ी बना लो, क्या आप भी बारह टाइम की सब्जी खाते हो रोज रोज, अंत में आप बोलेंगे भगवती जो तेरा मन करे तू बना ले, मतलब बनाने उनको अपनी इच्छा की है, मगर आपसे एक बार और 24 घंटे में बेइज्जती का प्रशिक्षण करवाएंगे, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। अच्छा आपकी शक्ति जाए कहां, सारी शक्तियां तो इनसे मिलती है, लक्ष्मी चाहिए इनके पास जाइए, ज्ञान चाहिए इनके पास जाइए, ताकत चाहिए इनके पास जाइए, मगर मैम एक चीज मानिएगा आदमियों के अंदर भी एक क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, ये 100 रुपए की लिपस्टिक खरीदेंगी पूरे मोहल्ले में बताएंगे, 1000 की साड़ी खरीदेंगे पूरे मोहल्ले में बताएंगे देखो आज हमने ये खर्चा किया, आदमी 2000 रुपए की दारू पिएगा चुपचाप कमरे के अंदर जाएगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा कि मैंने खर्चा किया, ये आदमी की क्वालिटी होती है। अच्छा महिलाओं में देखिए कोई भी बीवी अपने पति की बहन से बिल्कुल प्यार नहीं करेगी, और पति को देख लो पत्नी की बहन से उससे ज्यादा करता है, हाँ बराबर। अच्छा सास बहू की बातें करें तो एक बार देखिए, एक बार क्या हुआ, तीर्थ यात्रा में बस जा रही थी, एक बस में सास सास आगे बैठी, एक बस में बहू बहू, और सास वाली बस गिर गई खाई में, तो उसमें से बहू वाली बस में सर एक बहू बहुत रो रही थी, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास, सब बोले तुम अपनी सास से इतना प्यार करती हो, बोले नहीं ऐसी बात नहीं है मेरी वाली सास तो आई नहीं। हाँ तो सर आप लोग नहीं बजा रहे, बीच बीच में बजाते रहिए आप ही सर बजाइए। अच्छा ताली बजाने का मैं कारण भी बताता हूँ, कारण क्या है कि मान लीजिए एक हाथ ऐसे करे, अब ये हाथ आप ये समझिए कि उस पंडित का हाथ है जिसने आपके फेरे लगवाए थे, बोले थे बेटे विवाहित जीवन सुखी होगा तुम्हारा, उसको याद करिए आप बजाइए। और महिलाओं के लिए आप ये वाला हाथ आगे करिए और ये समझिए कि अपनी सांस का ताल आप बजाइए, सर बिल्कुल शांत बैठे हैं पता नहीं किस टेंशन में है, हाँ बिल्कुल मैं ये चीज रहता हूँ मरवाड़ी आदमी कभी टेंशन लेता ही, ऐसे एक बंदे ने कहा कि भैया आपके घर में आग लग गई है, बोले आपके, बोले घर में आग लग गई है, तो बोले मैनू की तुमको क्या लेना देना, बोले आपके घर में लग गई है, बोले मैनू की, हाँ ये कुछ जरूरी वार्तालाप हो रही है, हाँ इनको सुन लेते एक बार, बोल रहे हैं जाओ जाओ जल्दी जल्दी खाना खत्म हो रहा है उसको निपटा, तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, पीछे वाले बजाते धीरे धीरे गर्म होते हैं, क्या दो प्रकार के इंजन होते हैं, एक तो अभी जो पेट्रोल वाला तुरंत स्टार्ट होकर गर्म पिकअप आई, दूसरा डीजल इंजन होता है चालू होता है टर 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 करने में। अच्छा मैं चश्मे में भी एक प्रॉब्लम है मेरे, सर आपको तो चश्मा नहीं लगता, बताइए इस उम्र में चश्मा नहीं लगता, मेरे में दिक्कत है, मैं एक बार पापा जी से बोला, पहले मेरे को चश्मा नहीं लगा था, मैं पापा जी से बोला वो भी आपके टाइप, अच्छा कंजूसी में हमारा कोई तोड़ नहीं है, हरियाणा वालों का तो और तोड़ नहीं है, एक बार एक ट्रेन में तीन चार लोग सफर कर रहे थे तो एक पंडित था, तो उसने क्या किया 20 रुपए को घुमाया, उसमें आग लगाई रात में बीड़ी टाइप का पी लिया, तो दूसरा आदमी बोला मतलब इतनी मेरे सामने बीड़ी दिखा रहे हो, तो दूसरा ठाकुर आदमी था उसने 500 रुपए का नोट निकाला, माचिस जलाई और बीड़ी टाइप का पी लिया, अब आपके हरियाणा समाज का एक बंदा बैठा था उसने अपने पेटी से एक चेक निकाला उसमें लिखा 5 लाख जलाया पी गया, मतलब गया भी कुछ नहीं हो गया था, तो आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्या बात, हाँ ये बच्चे भी आ गए हैं, ये देश का भविष्य है, वहां कभी कभी हमारा वर्तमान चौपट कर देते हैं, हाँ बच्चों को कम
चाहिए, ये कहाँ की बात कहाँ कर देते हैं पता ही नहीं चलता है। एक बार मैं सर के घर गया तो इनका एक बच्चा था तो कांच फोड़ रहा था, खिड़की में पत्थर मार रहा था। तो बोला सर आपका बच्चा खिड़की में पत्थर मार रहा है, कैसे बिगाड़ रखे। बोले नहीं नहीं वो मेरा बच्चा थोड़ी, वो तो मेरा भतीजा है। बोले आपका बच्चा? बोले आपका मेरा बच्चा वो जो आपकी साइकिल की हवा निकालता है। हाँ तो ऐसा होता है, बच्चे भी बहुत काम बिगाड़ देते हैं। आइए सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आप समय पर आए, हम जल्दी चालू हो गए सर के लिए जोरदार तालियां। और पीछे सर आप आ रहे हैं बिल्कुल योगी आदित्यनाथ टाइप, आप पहने आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अच्छा योगी आदित्यनाथ में सर यूपी में ऐसा बिल्कुल डर का माहौल है, एक समय था जब लड़कियां डरती थी बाहर जाने में, फिर एक समय ऐसा आया कि रोमी स्पॉट बना दिए वहां। आइए सर, सर के लिए कुर्सी बिल्कुल आराम से बैठाइए। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते थे, मैं आता हूँ आपके आप योगी जी टाइप है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो भगवत हरि का एक अलग रंग रहता है, तो उसमें क्या होगा महिलाओं के लिए भी उसमें आधार कार्ड से लिख के देखते हैं कि आधार कार्ड में नाम है कि नहीं है। अब एक पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी ने कहा जी मुझे नाम आप गहने दिलवा दो। पति बोलता नहीं दिलवाऊंगा, तो बोलती अभी योगी जी से फिरवा दूंगी, बोल दूंगी जबरदस्ती लाया होगा। तो ये होता है। अच्छा जो रोने पर जिनको लड़की ले जाते थे पकड़ के खाने वाले, वो भी गजब करते थे, घंटे से सुताई करते थे और वहां से एक ही गाना निकलता।